योगी जी सीएम बनेंगे, उसके बाद पीएम बनेंगे, वो सीएम के बाद पीएम बनेंगे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, योगी जो है ना सीएम ही नहीं बल्कि पीएम मटेरियल है। अयोध्या बना दी योगी जी ने, काशी बना दी, अब की बात मथुरा का नंबर है। अब की बात सरकार बनेगी तो मथुरा भी हो जाएगी सही। जब से देश आजाद हुआ है तब से किसी ने 370 हटा पाई, किसी ने राम मंदिर निर्माण। मुझे सिर्फ अखिलेश यादव से एक बात पूछनी है, 1987 से यहाँ पर सांसद है मुलायम सिंह, इन्होंने मैनपुरी के लिए क्या किया? अखिलेश यादव ने कांग्रेस से समर्थन किया तो कुछ नहीं मिला, उसके बाद बसपा से समर्थन किया फिर भी नहीं मिला, अब की बार अकेले हैं तो एक सीट नहीं मिलेगी उनको, वो खत्म। चाचा जी के साथ आ रहे हो, चाचा जी क्या करेंगे? चाचा जी जब वो अपने बाप के सगे नहीं हुए तो चाचा के सगे कहाँ से हो जाए? चाचा क्या करेंगे? साइकिल पंचर हो चुकी है, कमल खिल चुका है, भारतीय जनता पार्टी। अगर अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो अपना समाज छोड़कर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चालू करें। चाचा भतीजे इकट्ठे होने के बावजूद भी इकट्ठे नहीं है, मजबूरी है ये गठबंधन समाजवादी। उनको अपने पिताजी पर विश्वास नहीं है, अपने चाचा पर विश्वास नहीं है, वो क्या पूरी उत्तर प्रदेश चलाएंगे? उत्तर प्रदेश के युवा किसके साथ? बीजेपी, बीजेपी, युवा पार्टी जिंदाबाद, योगी के साथ है। अखिलेश बार चारों विधानसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे? चचा 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 भतीजे इकट्ठे होने के बावजूद भी इकट्ठे नहीं है, मजबूरी है ये गठबंधन समाजवादी। उनको अपने पिताजी पर विश्वास नहीं है, अपने चाचा पर विश्वास नहीं है, वो क्या पूरी उत्तर प्रदेश चलाएंगे? बताइए अभी 22 में बाइसाइकिल सपा में साइकिल नहीं रहेगी। छोटी चोर, वो छोटी चोर है, अभी जो है ना शिवपाल चचा भतीजे का जो गठबंधन कह रहे हैं ना, ये गठबंधन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मजबूरी का बंधन है। और अगर ऐसी बात है ना तो विलय करने के बावजूद भी मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैनपुरी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा इतिहास पुनः रचने जा रही है। 325 थी, अब की बार 350 पार। अखिलेश कहाँ जाएंगे फिर? अखिलेश सैपई में अपना बीन बजाएंगे और क्या है। लोकसभा में उन्हें 5 सीटें तब भी मिली थी, इसमें तो 5 भी नहीं मिलेंगी। जंगल की है यही पुकार, अब की बार फिर भाजपा सरकार। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ने कांग्रेस से समर्थन किया तो कुछ नहीं मिला, उसके बाद बसपा से समर्थन किया फिर भी नहीं मिला, अब की बार अकेले हैं तो एक सीट नहीं मिलेगी उनको, वो खत्म। चाचा जी के साथ आ रहे हो, चाचा जी क्या करेंगे? चाचा जी जब वो अपने बाप के सगे नहीं हुए तो चाचा के सगे कहाँ से हो जाए? चाचा क्या करेंगे? हाँ बता बता। मैनपुरी में आप देख रहे हैं साइकिल चलेगी नहीं चलेगी? साइकिल पंचर हो चुकी है, कमल खिल चुका है, भारतीय जनता पार्टी। अगर अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो अपना समाज छोड़कर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चालू करें, वो अपना खुद को पूरा परिवार उनका लिप्त है। चाचा भतीजे पोता नाती बनती उनके घर में कोई पैदा भी होता है तो इसे संसद सांसद बनाएंगे, इसे विधायक बनाएंगे, ये परिवारवाद ही है, ये परिवारवाद जनता समझ चुकी है, पूरी तरीके से खत्म कर चुकी है। रहा बचा 22 में बिल्कुल साफ हो जाएगी सभा, रहेगी नहीं। योगी जी को आप सीएम बनाएंगे? योगी जी सीएम बनेंगे, उसके बाद पीएम बनेंगे, वो सीएम के बाद पीएम बनेंगे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, योगी जो है ना सीएम ही नहीं बल्कि पीएम मटेरियल है आने वाले 2024 के बाद। अच्छा, मैनपुरी के लोग पीएम बनाएंगे? मैनपुरी पूरे उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, उसके बाद हमारा मुख्यमंत्री जो काबिल मुख्यमंत्री है, जिसमें गुंडा भय मुक्त समाज उत्तर प्रदेश दे दिया, गुंडा या तो जेल में है या दूसरे लोक में है। अयोध्या बना दी योगी जी को, मथुरा का नंबर आ गया, और क्या करेंगे? अयोध्या बना दी योगी जी ने, काशी बना दी, अब की बात मथुरा का नंबर है, अब की बात सरकार बनेगी तो मथुरा भी हो जाएगी सही। जब से देश आजाद हुआ है तब से किसी ने 370 हटा पाई, किसी ने राम मंदिर निर्माण। मुझे सिर्फ अखिलेश यादव से एक बात पूछनी है, 1987 से यहाँ पर सांसद है मुलायम सिंह, इन्होंने मैनपुरी के लिए क्या किया? और सांसद हमारे बनारस में मुख्यमंत्री जी हुए, तो ये मैनपुरी की जनता देख रहे हैं आप किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के समर्थन में यहाँ पर आई हुई है। हर हर मोदी। मैनपुरी में है, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी जीत होगी?
चार में से चार 350 पार। अखिलेश यादव जो कर रहे थे वही करेंगे, खेल खत्म। मैनपुरी में चार सीटें हैं, चारों सीटें जीतकर योगी सरकार पुनः आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं। ओवैसी कह रहे हैं कि हमेशा योगी सीएम नहीं रहेंगे, मोदी नहीं रहेंगे, उसके बाद देख लेंगे। ये ओवैसी क्या जिंदगी और बना रहेगा? अरे ये तो प्रक्रिया है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, जिसे जनता चाहेगी जनता उस जिसे चुनेगी वो आता रहेगा लगातार। ओवैसी धमकी क्यों दे रहे हैं? ओवैसी ऐसा है ना, घर में बैठ के कोई भी धमकी दे लेता है, अगर दम है ना जनमत लेकर आए। ओवैसी जी से पूछिए, अब की बार ओवैसी से ये पूछिए कि आप जो है ना केवल खेल बिगाड़ा करने के लिए कहीं इधर जाते कहीं उधर जाते हैं, अगर जनमत है ना योगी और मोदी के पास, जनता है, जनमत है, और उसी के आधार पर 350 पार कर योगी पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। मैनपुरी में साइक अभी यहाँ पे बीजेपी की बाइक रैली भी होनी है, क्या कहेंगे, कितना समर्थन? आप देख रहे हो जन समर्थन पूरी तरह है, बिना बुलाए लोग आ रहे हैं। मैनपुरी के ये लोग, ये अन्य जिलों से नहीं आ रहे हैं, हम सच्चाई में विश्वास करते हैं, जो हमारी सच्चाई है उसमें काम कर रहे हैं। क्या ये 400-300 रुपए में आई भीड़ नहीं है, जो जो 300 रुपए देके पराधी बुलाए गए थे, ये पार्टी के कार्यकर्ता और जन-जन की है, यही पुकार आपकी बार भाजपा सरकार। जिलों से जो भीड़ लाई गई है वो भीड़ नहीं है, ये यहाँ ये मैनपुरी जिला की पूरी भीड़ यहाँ पे होगी, और जगह जगह पे, हर जगह पे, अपनी अपनी जगह पे सभी लोग अपना स्वागत करने के लिए। मैनपुरी को समाजवादियों का गढ़ बताया जाता है, क्या लग रहा है? ऐसा है ना, ये कहने वाली बात है, आप कह रहे गढ़ ध्वस्त हो चुका है, 2017 में शुरुआत हो गई थी, जिला पंचायत हमारे पास है, 9 में से ब्लॉक प्रमुख में 7 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर पालिका हमारी है, नगर पंचायत हमारी है, और आगामी विधानसभा में चारों में से चारों सीटें भाजपा जीतकर परचम लहराएगी। अखिलेश यादव के जो करीबी है पीयूष जैन, उन पर आईटी का छापा पड़ा तो 100 करोड़। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्रक्रिया है, ये जो रूटीन चेकिंग होती है आईटी की, आईटी अपना काम कर रही है, उसमें हमारी सरकार है, हमसे क्या मतलब उसका? समाजवादी पार्टी की जो जया बच्चन है वो तो श्राप दे रही बीजेपी। श्राप अगर हम उन्हें दे दें श्राप, हम श्राप ये देंगे कि तुम फलीभूत रहो आराम से, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी है और जनता की सरकार है ये। क्या लग रहा मैनपुरी में? बीजेपी जीतेगी, भाजपा की, सब लोग भाजपा की जीत होगी, भाजपा की भाजपा बीजेपी भाजपा मैनपुरी में भाजपा बीजेपी आएगी। बीजेपी जो राम जी को लाए हैं उन्हीं को हम लोग सब लोग लाने के लिए, कमल का फूल। आपके नजर में किसी ने इतना काम किया है आज तक? पता नहीं, आप बताओ भाई साहब। किसी ने भी किसान सम्मान निधि दी हो आज से पहले? किसी ने भी मंत्री माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना आज से पहले? किसी ने 370 हटाई आज से पहले? किसी ने राम मंदिर बनवाया जी है? जो आने वाले समय में कृष्ण मंदिर भी बनेगा। अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? अखिलेश यादव जी पता नहीं कहाँ जाएंगे, बस हमें ये पता है बीजेपी आ रही है और उसके सामने कोई आएगी। बीजेपी मोदी घर घर मोदी बीजेपी जिंदा हो गई जनता पार्टी। ये बीजेपी की मैनपुरी से जन विश्वास यात्रा चल रही है, और आप देख सकते हैं पूरा ये काफिला जो है वो अब मैनपुरी में घूम रहा है,
और सुबह से ये भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से रास्ते में लोग वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है उसके लिए। अभी ये मुलायम सिंह के गढ़ में कहे जाने वाले मैनपुरी में देखिए आप किस तरीके से भीड़ है और ये गाड़ियों का काफिला यहाँ पर आता रह रहा है। सर क्या नाम है, क्या लग रहा है मैनपुरी में, क्या होगा? बहुत अच्छा, क्या होगा? योगी सरकार किसकी सरकार बनेगी मैनपुरी में? बीजेपी की। अच्छा, योगी जी की। काम बढ़िया हो रहे हैं। मुलायम सिंह नहीं, नहीं इसमें गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल। उस टाइम गुंडागर्दी बहुत चलती है। वोट देंगे मोदी जी को और इस समय बहुत शांत प्रिय वातावरण हो रहा है। राहुल जी क्या नाम? शिवदत्त सिंह। किसकी सरकार? भाजपा की। अखिलेश नहीं वोट मोदी जी को देंगे। अखिलेश को नहीं मुसहरा जी में बहुत गुंडागर्दी चलता है। अच्छा, इसलिए योगी। अखिलेश योगी सरकार। अखिलेश नहीं, नहीं। क्यों? योगी सरकार गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी नहीं है। ताऊ जी हाँ जी क्या है? मोदी जी को योगी जी को वोट देंगे। अखिलेश नहीं, क्यों? गुंडागर्दी। क्या नाम है भाई? सरवेंद सिंह। क्या लग रहा है किसकी सरकार? योगी की सरकार। अखिलेश की तो उम्मीद बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम। बहुत कम। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत। अच्छा, ओवैसी बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा मोदी नहीं रहेंगे और सीएम हमेशा योगी नहीं रहेंगे, धमकी दे रहे हैं, उसके बाद क्या? हमेशा योगी जी हमारे सीएम रहेंगे। हमने पिछली बार भी योगी जी को ही वोट दिया था, इस बार भी योगी जी को ही वोट देंगे। ओवैसी तो धमकी दे रहे हैं, उसके बाद आपका? नहीं, उनकी ये धमकी नहीं चलेगी। धमकियों से कुछ नहीं होता है, करना भी पड़ता है उसके लिए। आगे सरकार भी बनानी पड़ेगी तभी धमकियां चलेंगी। आगे कहो दिल से योगी फिर से।